पाकिस्तान से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। खबर के मुताबिक पाकिस्तान की हालत इस समय खस्ता हो रही है। वित्त मंत्री इशाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तंग हालात में है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस समय तंग स्थिति से गुजर रही है। पाकिस्तान के आर्थिक हालात चिंताजनक है। अब पाकिस्तान को लेकर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, तो बता दें कि इन दिनों पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई है। पाकिस्तान में इस कारण मंदी की भी आशंका है। वहां के वित्त मंत्री ने सभी बातें स्वीकार की हैं। हालांकि पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने निवेशकों को आश्वासन दिया है कि पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का कोई चांस नहीं है, इसलिए निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं है। बता दें कि स्टॉक एक्सचेंज में पाकिस्तान की पहली रियल स्टेट निवेश ट्रस्ट योजना के लॉन्च के दौरान एक कार्यक्रम में निवेशकों से वित्त मंत्री ने ये सभी बातें कही। अपने बयान में इशाक डार ने कहा कि हम तंग स्थिति में हैं। हमारे पास 24 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार नहीं है जो हमारी पिछली सरकार ने 2016 में छोड़ा था, लेकिन ये मेरी गलती नहीं है, ये सिस्टम की गलती है। अपने बयान में वित्त मंत्री ने पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने की भी भविष्यवाणी को गलत ठहराते हुए कहा कि पहले ही दिसंबर में इस्लामिक बॉन्ड में अपने $1 बिलियन का भुगतान कर दिया था। ऐसे में संभव नहीं है कि देश डिफॉल्ट हो जाए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय अनुभव का हवाला देते हुए अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा कि मूल्य निर्धारण और वित्तीय स्थिरता पर विकास को प्राथमिकता देने वाले राष्ट्र विकास को बनाए रखने में असमर्थ है और वित्तीय संकट से जूझ रहा है। बताया जा रहा है कि इसके अलावा पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक ने भी कहा था कि FY23 में बढ़ोतरी सबसे कम सीमा से भी कम होगी। इसके अतिरिक्त ये भी कहा गया कि विकास दर 3-4% से नीचे रहेगी। तो वहीं नजर डालें SBP की रिपोर्ट पर तो कहा गया कि पाकिस्तान के सूचना कवरेज और पंक्चुअलिटी में सुधार की गुंजाइश है, क्योंकि सालाना सकल घरेलू उत्पाद की बढ़ोतरी का अनुमान देश के विकास में अहम है। तो वहीं अगर नजर डालें हाल फिलहाल की खबरों पे तो पाकिस्तान भारत के साथ रिश्तों पर भी बोला। पाकिस्तान ने गुरुवार को कहा कि वह भारत के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहता है, लेकिन दिल्ली को कश्मीर समेत सभी लंबित मुद्दों को बातचीत के जरिए सुलझाने में गंभीरता दिखानी होगी। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने अपने साप्ताहिक ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान दक्षिण एशिया के सभी देशों के साथ आपसी समान और संप्रभु समानता के आधार पर शांतिपूर्ण पड़ोस की नीति का पालन करना जारी रखे हुए हैं। अपने बयान में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान लगातार ये कहता रहा है कि जब तक लंबित विवादों का समाधान नहीं हो जाता तब तक द्विपक्षीय संबंध पूरी तरह से सामान्य नहीं हो सकते, खासतौर पर जम्मू कश्मीर जो कि एक मुख्य मुद्दा है। इस्लामाबाद संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के अनुसार कश्मीर विवाद के हल की कोशिश करेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।